अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूज़ चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस रेड बटन को दबा के, और साथ ही इसके बगल में आप देख रहे होंगे बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको जरूर आप क्लिक किया करें। तो उससे क्या होगा, आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पर आपके पास मैसेज के द्वारा आ जाएगी, जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और इससे आपको एकदम फ्री है, आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वेलकम टेक वीडियो गुरु, मैं आपको विकास आपका मैं जाने का फिर स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपके लिए फिर से नया टॉपिक लेके आया हूँ, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे BCC, CCC, ECC, CCC+, हिंदी, लेकिन इसमें हमारा आज का टॉपिक चेंज हो गया है, जिसमें हम लोग बात करेंगे MS पावर पॉइंट। हमने शॉर्टकट नाम दे दिया PPT क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 1। तो ये पार्ट 1 आपके लिए है। तो आज हम आपको इसी के 25 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके CCC और अदर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगे, तो आप इनको तैयार कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने MS Excel के 2 पार्ट पढ़े हैं, जिसमें करीब 100 क्वेश्चन के आसपास, 100 नहीं तो 30 से 60 क्वेश्चन के आसपास हम लोगों ने किए हैं, अभी और उसको करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। MS पावर पॉइंट के कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उनके सोल्यूशन। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? तो इसमें से आपका स्लाइड व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, या स्लाइड नॉर्मल व्यू, या आउटलाइन व्यू। तो यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे स्लाइड शो के ऑप्शन होते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से व्यू होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, तो वही आपको बताना है। तो इसमें से आपका आउटलाइन व्यू नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा D। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सटेंशन पे एक अलग सी वीडियो बना देंगे जिसमें सारी आपको एक्सटेंशन मिल जाएंगी, तो आपके लिए वो एक एक पेपर सेट के रूप में तैयार हो जाएगा। चलिए अभी इसमें देख लेते हैं जो उसमें क्वेश्चन आया है मेरे पास। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन क्या होता है? जब आप किसी फाइल को सेव करेंगे तो आपको वहाँ पर एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा, तो .PPT इसका एक्सटेंशन होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका B। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में न्यू फाइल बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो देखिए Ctrl+N अधिकतर में होती है, लेकिन किसी किसी में कुछ अदर भी होती है। तो यहाँ ये समझा करें कि स्लाइड आपको नई बनानी है कि फाइल आपको न्यू बनानी है। तो यहाँ पर यहाँ पूछा है नई फाइल, अगर आपसे पूछे नई स्लाइड बनाने के लिए तो उसका Ctrl+M होगा, स्लाइड आपकी ये होती हैं, इधर आप देख सकते हैं, और ये आपका आउटलाइन होता है बगल में, आउटलाइन व्यू में आप इस तरह देख सकते हैं, स्लाइड में आप इस तरह देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पूछा है कि न्यू फाइल बनानी है तो Ctrl+N, अगर आपसे पूछता है यहाँ पर कि अगर आपको न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए आपको Ctrl+M दबानी पड़ती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा Ctrl+N यानी कि A। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, रन डायलॉग बॉक्स में पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए क्या लिखा जाता है? रन डायलॉग बॉक्स ये होता है आपका, कंट्रोल दबा के विंडो दबा के जब R प्रेस करेंगे तो आपका रन विंडो खुल जाएगी, डायलॉग बॉक्स जिसको कहते हैं, वहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा WOPOWERPNT। जब ये आप टाइप करके एंटर कर देंगे तो आप देखेंगे पावर पॉइंट आपके पास न्यू स्लाइड के रूप में ओपन हो जाएगा। तो ये आपका पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसका शॉर्टकट कीवर्ड ये होता है, इसको जरूर याद रखें, इसका आंसर हो जाएगा C। 5 नंबर देखते हैं, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट, यहाँ पर एक्सेल लिया, वर्कशीट के लिए एक्सेस आपका डेटाबेस, आउटलुक आपका ईमेल मैसेजिंग के लिए होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा B। 6 नंबर देखते हैं, करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए, तो देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, अभी मैंने जो यहाँ पे बताया था 5-3 नंबर में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 नंबर में आपको वही आंसर क्वेश्चन मिल गया है कि करंट स्लाइड में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए Ctrl+M का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एक्शन बटन का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? तो एक्शन बटन का ऑप्शन आपका स्लाइड मेन्यू में होता है, जब आप 2003 का MS पावर पॉइंट यूज़ करेंगे तो आपको सारे मेन्यू यहाँ पे सीरियल वाइज दिखाई देंगे, अभी यहाँ पे ये 2007 का वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे मेन्यू डिफरेंट थोड़ा दिखाई देंगे। आप इसी में 2003 के वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपको एक वीडियो बनाकर दिखा देंगे कि कैसे आप इसी 2007 में 2003 के मेन्यू को देख सकते हैं, तो उससे आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप सॉफ्टवेयर वही यूज़ करेंगे लेकिन मेन्यू जो यूज़ करेंगे आप
वो 2003 का आप देख सकते हैं 2007 के वर्जन में, तो वो एक वीडियो बना देंगे अलग से। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं स्लाइड शो। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, पावर पॉइंट स्लाइड में स्पीकर नोट्स बनाने के लिए किस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। स्पीकर नोट्स इसमें आप बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई नोट्स लिखा है, आप उसको साउंड के रूप में कैसे बना सकते हैं, तो वो भी इसमें आपका ऑप्शन अवेलेबल होता है। यहाँ पर जैसे ट्रांजिशन साउंड वगैरह का ऑप्शन होता है, या कई तरह के साउंड अवेलेबल होते हैं, तो ये भी आप इसमें काम कर सकते हैं। तो उसका आपका होगा नोट्स व्यू, डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, किस ऑप्शन का यूज़ पावर पॉइंट में शेडो, टेक्स्ट कलर और बॉक्स का कलर बदलने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कलर स्कीम का हम लोग यूज़ करते हैं पावर पॉइंट में शेडो, टेक्स्ट और ये सब चीज़ें को अरेंजमेंट करने के लिए। 10 नंबर देखते हैं, आप स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हैं। अगर स्लाइड शो को आपको रोकना है, मान लीजिए अभी इसी को हम आप ओपन करके दिखाते हैं, तो मान लीजिए फ्रॉम द करंट स्लाइड पर करते हैं क्लिक, तो मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन था, आप स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लाइड शो चल रही है, अब मान लीजिए आप इसको काटना है तो कैसे काटेंगे। अगर आप क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड आगे बढ़ती जाएगी, तो आपको ये करने के लिए बोला गया, आपको काटने के लिए बोला गया। तो आप प्रैक्टिकली समझिए क्वेश्चन, तो आपको आंसर दिख ही रहा होगा कि आपको ESC दबानी है, तो अगर आप ESC दबाएंगे तो इस तरह देखिए एक स्लाइड कट के स्टॉप हो जाएगी। तो ये आपको समझाना था। 11 नंबर देखते हैं, तो इसका आंसर आप लोग देख ले, ESC बटन होती है आपने एस्केप, तो आपको वो प्रेस करनी पड़ेगी। 11 नंबर देखिए, टास्क पेन का उस डिज़ाइन को शो करती है जो वर्तमान में प्रेजेंटेशन में यूज़ हो रही है। स्लाइड डिज़ाइन जो आपका टास्क पेन होता है, वहाँ पे आपका जो स्लाइड की डिज़ाइन होती है वो आपकी शो होती है, तो स्लाइड डिज़ाइन इसका आंसर हो जाएगा सी। 12 नंबर देखते हैं, किसी स्लाइड में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं। किसी स्लाइड में आपको अगर टेबल इंसर्ट करनी है तो कैसे ऐड करेंगे, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, आंसर देख लेते हैं क्या है इसका। ब्लैंक स्लाइड में कंटेंट पेन में इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे। तो जब आप यहाँ पर न्यू स्लाइड लेंगे तो वहाँ पे आपको टेबल का ऑप्शन दिखाई देगा। चलिए आपको दिखाते हैं किस प्रकार से। तो चलिए यहीं पे एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं 13 के बाद, कंट्रोल एम दबाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक नई स्लाइड ऐड हो जाए। न्यू स्लाइड जब आप ओपन कर लेंगे तब यहाँ पर देखेंगे कि आपको टेबल का इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आता है इसी में, तो यहाँ से आप टेबल वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से टेबल आप ऐड कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन के साथ हम समझाते हुए जा रहे हैं, जिससे कि आपको कोचिंग की जरूरत ना पड़े और आपको क्वेश्चन से ही प्रैक्टिकल भी आपको समझ में आ जाए, इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी बन जा रही होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 13 नंबर देखते हैं, हाइड स्लाइड ऑप्शन का क्या यूज़ है। जो हाइड स्लाइड होती है उसका ऑप्शन का क्या यूज़ है। तो प्रेजेंटेशन के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए हाइड स्लाइड का ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 14 नंबर देखते हैं, हैंड आउट मास्टर द्वारा डिफाइन किया जाता है ले आउट ऑफ हैंड आउट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। हैंड आउट मास्टर द्वारा डिफाइन किया जाता है ले आउट ऑफ हैंड आउट। 15 नंबर देखते हैं, इनमें से किस स्लाइड को बैकग्राउंड की तरह यूज़ किया जाता है। तो बैकग्राउंड की तरह आप इनमें से सभी को यूज़ कर सकते हैं। आपका ग्रेडियंट हो गया, टेक्सचर हो गया, पिक्चर हो गया, ये सभी आप बैकग्राउंड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड आप कहाँ से फिल कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। इंसर्ट पर जाके यहाँ से आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं, यहाँ से क्लिप आर्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, शेप ऐड कर सकते हैं, और अदर चाहिए तो शेप फील्ड में जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर, ग्रेडियंट, टेक्सचर, आपको तीनों ऑप्शन यहाँ पे। जैसे मान लें ग्रेडियंट लगाना है तो इस तरह से ग्रेडियंट आ जाएगा, टेक्सचर लगाना है तो आपको इस तरह से टेक्सचर लग जाएगा। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 16 नंबर देखते हैं, पावर पॉइंट में कंट्रोल ई कमांड का यूज़ होता है। कंट्रोल ई कमांड का यूज़ होता है टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए। चलिए ट्राई करके देखते हैं, कंट्रोल ई दबाया तो देखिए सेंटर में सारे टेक्स्ट आ गए हैं। फिर से इसको राइट में कर देते हैं, लेफ्ट में कर देते हैं। तो कंट्रोल ई का कमांड का यूज़ हम लोग टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 17 नंबर देखते हैं, इलिप्स मोशन एक प्री डिफाइंड है एनिमेशन स्कीम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 17वें का सी। 18 नंबर देखते हैं, हैंड आउट का यूज़ करके कितनी स्लाइड को एक ही पेज पर प्रिंट किया जा सकता है। तो आप इसमें किसी कितनी भी स्लाइड ऐड करके प्रिंट कर सकते हैं। तो 1, 6, 9 या आपका आंसर हो जाएगा ये सभी।
19 नंबर देखते हैं, विभिन्न स्लाइड में मोशन इफेक्ट लागू करने के लिए किस पावर ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। तो स्लाइड ट्रांजिशन का हम लोग यूज़ करते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिया होता है स्लाइड, ये देखते हैं यहाँ पे ये सब स्लाइडें होती हैं, स्लाइड ट्रांजिशन को कहते हैं। तो आपको ये यूज़ करनी पड़ेगी विभिन्न मोशन इफेक्ट लागू करने के लिए। और आप कस्टम एनिमेशन चाहते हैं तो यहाँ पर कस्टम एनिमेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करके और अपने स्लाइड अनुसार जो चाहे वो मोशन यहाँ से आप दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्लाइड ट्रांजिशन, 19 का आपका हो जाएगा ए। 20 नंबर देखते हैं, प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। तो इसमें भी आपका स्लाइड ट्रांजिशन का यूज़ करते हैं कस्टम टाइमिंग। जब यहाँ पे आप कस्टम एनिमेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको टाइमिंग वगैरह भी का ऑप्शन यहाँ पे सब मिलता है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आफ्टर पे स्लाइड या फास्ट करना चाहते हैं, स्लो करना चाहते हैं, जो सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे। जब यहाँ पे आप ऐड करेंगे कोई चीज़ तो देखेंगे यहाँ पे टाइमिंग का ऑप्शन आएगा, आपको वेरी फास्ट चाहिए, कितने देर चाहिए, तो सारे ऑप्शन यहाँ पे टाइमिंग का ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ से आप टाइमिंग वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो ये होता है आपका स्लाइड ट्रांजिशन में, आप इसको एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। 21 नंबर देखते हैं, यदि आप स्लाइड में केवल टेक्स्ट देखना चाहते हैं तो आप इनमें से कौन सा टैब यूज़ कर सकते हैं। तो आपको खाली टेक्स्ट देखना है और स्लाइड नहीं देखना है तो आउटलाइन यहाँ पे दिया हुआ है, जब आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें टेक्स्ट के रूप में दिखाई देंगी और यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर होता है आउटलाइन व्यू में देखने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आउटलाइन सी। 22 नंबर देखते हैं, यदि आप स्लाइड का क्रम बदलना चाहते हैं तो आप किस व्यू ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू को हम यूज़ करेंगे, 22 का हो जाएगा बी। 23 नंबर देखते हैं, किस मेन्यू में एनिमेशन स्कीम, कस्टम एनिमेशन और स्लाइड ट्रांजिशन जैसे ऑप्शन होते हैं। तो आपका स्लाइड शो मेन्यू होता है, जब आप वर्जन यूज़ करेंगे 2003 तो आप उसमें देखेंगे। बाकी यहाँ स्लाइड शो मेन्यू में आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं और इसमें एनिमेशन में अलग से ऑप्शन मिलते हैं, तो सब में अलग अलग इसमें दिया हुआ है 2007 में। तो 2003 वर्जन में आपको स्लाइड शो मेन्यू में सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, किसी स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं। तो हाइपरलिंक यूज़ करने के लिए इसमें दो ऑप्शन है, चूज़ इंसर्ट एंड हाइपरलिंक, दो ऑप्शन है। अगर आप दोनों ये ऑप्शन आपको सभी मिलेगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन दे दिया है, आप डायरेक्ट माउस से क्लिक करके हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं और आप कंट्रोल के दबा के भी हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 25, पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर किस मेन्यू में होते हैं। तो व्यू मेन्यू में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर स्लाइड सॉर्टर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो 25 का आंसर हो जाएगा बी। तो आशा करते हैं आपको ये 25 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे पूरी तरह से, क्योंकि मैंने पूरे डिफाइन भी कर दिए हैं। अगर कोई भी डाउट हो क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह से आपको नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे अदर टॉपिक की। तो थैंक यू फॉर